स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड सिक्स. सो वेलकम इन अवर न्यू सेशन ऑफ एसेस. हियर इज अवर वर्कबुक एंड चैप्टर नंबर 10 स्पेयर्स ऑफ द अर्थ. ओके, सो इन अ प्रीवियस लेक्चर वी आर कंप्लीटेड अवर ट्रू और फॉल्स एंड मैचिंग. सो टुडे वी आर स्टार्ट अवर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. हियर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू सेंटेंसेस. सो विच आर द मेन स्फीयर ऑफ द अर्थ. तो देयर आर फोर मेन स्फीयर ऑफ द अर्थ. देयर आर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. एज आई एक्सप्लेन यू बिफोर इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, here is the what is meant by lithosphere. The litho means soil. The upper crust of the earth is made up of soil and other solid matters. What is a lithosphere? Lithosphere क्या होता है? Lithosphere is the soil, जो upper crust है earth का, जो soil से दूसरे solid matters से बनता है. What is the hydrosphere composed of? So the area surrounded by water on the surface of earth is called hydrosphere. It includes ocean, seas, bays, gulf, lakes, etc. So hydrosphere यानी जो water हमारे surrounded है, चारों तरफ है अर्थ के सरफेस पर, उस हाइड्रोस्फेयर में आता है. इसमें क्या क्या आता है? ओशन, सी, बे, गल्फ, लेक्स यानी जितने भी जो वाटर बॉडीज हैं वो सब. नेक्स्ट इज विच आर द मेन गैसेज ऑफ द एटमोसफेयर. तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एक्सेट्रा आर द मेन गैसेज ऑफ द एटमोसफेयर. वट आर इंक्लूड इन द बायोस्फेयर. तो बायोस्फेयर इंक्लूड ह्यूमन बींग, वेजिटेशन एंड एनिमल. तो एटमोसफेयर में सारे गैसेज फॉर्म एंड बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लाइक एक एंट से लेकर एलिफेंट तक जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो वेजिटेशन हो, एनिमल्स हो, फ्लोरा एंड फ्यूना, ऑल आर इंक्लूड इन अ बायोस्फीयर. व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द अर्थ एज अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. तो टेम्परेचर, वाटर एंड एयर विच आर नेसेसरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ओनली ऑन द अर्थ. जो स्पेशलिटी है अर्थ की एज अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम क्या है? ये यहाँ का टेम्परेचर, वाटर, एयर जो नेसेसरी है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो अर्थ पे फाउंड होते हैं वो सब. व्हाट इज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ मेड अप ऑफ? द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ द सॉइल एंड सॉलिड मेटल्स. व्हाई इज द लिथोस्फीयर ऑल्सो नॉन एज अ रॉक स्फीयर और सॉलिड स्फीयर? तो द लिथोस्फीयर इज कंपोज ऑफ रॉक्स एंड सॉलिड मेटल. सो इट इज नॉन एज अ रॉक स्फीयर और सॉलिड स्फीयर. What is the meant by magma? So due to the temperature that in the interior of the earth, the rock melt, the liquid rock material is called magma. Due to them, what is meant by magma? So due to tremendous heat in the interior of the earth, the rock melt, the liquid rocks material is called magma. What element are mixed with the atmosphere? So various gases, water vapor, dust particles, saline particles, microorganism extra are mixed with the atmosphere. What is the function of ozone gas? The ozone gas absorbs the strong ultraviolet sun rays on a large scale and protects the living organism on the earth from their harmful effect. तो ozone gas के functions क्या हैं? वो ozone gas जो क्या है, जो absorb करती है strong ultraviolet sun rays को in a large scale and protect the living organism को protect करती है on the earth from their harmful effects. When is the ozone gas more in preparation? So ozone gas is found more in early morning in the open field and near the sea coast. यानी ozone gas कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलती है? अर्ली मॉर्निंग में, ओपन फील्ड एंड नियर द सी कोस्ट, यानी सी कोस्ट के पास, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, इसीलिए लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं. हाउ डज द एटमोसफेयर सर्व द नेचुरल सीन ऑन द अर्थ? मैटर्स आर पुल्ड टूवर्ड द अर्थ ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स. They are born due to friction with the atmosphere and destroyed. How are the dust particles in the atmosphere useful? So the dust particle in the atmosphere spread sunlight in all directions. That is why there is no sudden brightness at sunrise and sudden darkness at sunset. Yani dust particles se kya hota hai? Atmosphere mein phaile hote hain, iski wajah se achanak se na to suddenly brightness hota hai na suddenly darkness hota hai. स्लोली होता है. वाई आर द रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन पॉसिबल? तो बिकॉज द रे ऑफ साउंड एंड लाइट्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एटमोसफेयर बैक टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ. यानी जो रेज ऑफ द साउंड एंड लाइट्स है वो रिफ्लेक्ट होती है एटमोसफेयर, और जो एटमोसफेयर रिफ्लेक्ट करके उसको वापस सर्फेस ऑफ द अर्थ सेंड कर देता है. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म. हाइड्रोस्फेयर, तो द एरिया विच इज ऑक्यूपाइड बाई वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर. जो एरिया जो ऑक्यूपाइड है वाटर पे ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर, उसी को हाइड्रोस्फेयर कहते हैं. नेक्स्ट इज एटमोसफेयर. द एटमोसफेयर द स्फीयर ऑफ वेरियस गैसेज विच एक्सटेंड
अप टू द हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेट 850 टू 1000 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफेयर, यानी वो स्फेयर जो कि गैसेस फॉर्म में है, इसकी हाइट कितनी अप्रोक्सीमेटली 850 टू 1000 किलोमीटर अबव, ओके, सरफेस अर्थ के सरफेस से इतना ऊपर है, उसको क्या बोलते हैं, एटमोसफेयर। बायोस्फेयर, दैट पार्ट ऑफ दैट पार्ट इन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोसफेयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फेयर, यानी जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है वो है बायोस्फेयर, ओके। सो यू हैव टू राइट डाउन दीज क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक होमवर्क, राइट इन नोटबुक एंड वर्कबुक। सो वी विल मीट अगेन नेक्स्ट सेशन, टिल देन थैंक यू वेरी मच।